कि सीएम धामी आज हरिद्वार दौरे पर बुगावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 12 बजे एमबी फूड्स प्रोसेसिंग प्लांट का भी करेंगे शुभारंभ। फल सब्जी के प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे। 2 बजे देहरादून लौटेंगे सीएम धामी। सीएम धामी आज हरिद्वार दौरा करेंगे, बुगावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 12 बजे एमबी फूड्स प्रोसेसिंग प्लांट का भी करेंगे शुभारंभ। 2 बजे देहरादून लौटेंगे सीएम धामी। आप जब आपको बता दें कि सीएम धामी का पूरा कार्यक्रम है, जहां आज सीएम धामी हरिद्वार दौरे पर है। इस हरिद्वार दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे सीएम धामी। 12 बजे एमबी फूड्स प्रोसेसिंग प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। प्लांट के शुभारंभ में लेंगे हिस्सा, प्लांट का शुभारंभ करेंगे। जहां आपको बता दें कि आज सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है, जहां पर वे बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही एमबी फूड्स प्रोसेसिंग प्लांट का भी करेंगे शुभारंभ। फल सब्जी के प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। 2 बजे देहरादून लौटेंगे सीएम धामी। इस पर हमारे साथ लक्सर से जुड़ रहे हैं राम गोपाल। राम, आज जो ये जो दौरा है, आज सीएम धामी का दौरा है, जहां सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और जिसको लेकर वे फूड प्रोसेसिंग प्लांट का भी शुभारंभ करने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? राम, आप तक हमारी देखिए। जी जी राम बोलिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर हैं और जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो स्थायी हेलीपैड बनाई गई हैं बुग्गावाला में, वहां उतरेंगे और फिर जो है जो ग्रंट जो क्षेत्र है बुग्गावाला का जो ग्रंट क्षेत्र है, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बुग्गावाले के जो नौकरा ग्रांट है उसमें कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और एमबीसी फूड्स में जो स्थापित कार्यक्रम है इसको लेकर के प्रतिभाग करेंगे, कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में जो कोरोना ने अपना कहर बरपा था और कहीं ना कहीं प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें, क्योंकि जो आयुर्वेदिक है उन आयुर्वेदिक को लेकर ही कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया है और तमाम तरह के जो प्रदेश सरकार के कयास हैं उनको जो है सफल बनाने के लिए यानी कि काम किया जा रहा है और इसी को लेकर के आज जो है एमबीसी फूड के जो कार्यक्रम है इनके एमबीसी प्लांट है उसका जो है शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हरिद्वार के ग्रांट जो गाँव है वहां पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में जो है शिरकत करेंगे। जी, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि वो बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बुग्गावाला के जो एमबीसी फूड्स द्वारा स्थापित फल सब्जी और मशरूम आदि के जो प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट है उसका शुभारंभ करेंगे स्वाति और इसके साथ ही कहीं ना कहीं क्योंकि 12 बजे जो है पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में जो है शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ ऐसा क्योंकि देखिए कोरोना काल में जिस तरीके से कोरोना का जो कहर कहीं ना कहीं देश में जो है देखने को मिला था और इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर के प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो इनको बढ़ावा देने का जो काम है कहीं ना कहीं वो सरकार द्वारा किया गया, इसी को लेकर के आज जो है इन इस प्लांट का जो है शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आयुर्वेदिक को लेकर के क्योंकि अश्वगंधा या फिर ग्लो यानी कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं ये कहीं ना कहीं इनसे जो है यानी कि कोरोना से उभारने का काम कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट द्वारा इन अश्वगंधा जड़ी बूटियों द्वारा जो है बहुत उपयोगी जो है मानी गई है, इनको लेकर के एक बढ़ावा भी जो है प्रदेश सरकार जो है क्षेत्र में दिए जा रहा है कि काम और रोजगार के साथ, क्योंकि जिस तरीके से नई नई इंडस्ट्री जो स्थापित हो रही है उनको कहीं ना कहीं न्योता भी दिया जा रहा है कि आप आइए और इस तरीके के कार्य करिए, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं इस तरीके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो है हमारी जो सेहत यानी कि जिस तरीके से जो एक वायरस के तौर पर जो है कोरोना वायरस ने जो है प्रदेश नहीं पूरे देश में कहर मचाया था उनसे जो है इससे जो है निजात मिल पाई थी, तो ये कहीं ना कहीं इसी को लेकर के प्रदेश सरकार जो है बढ़ावा कहीं ना कहीं दे रही है और इस तरह के कार्यक्रम जो है लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 12 बजे नोएडा पहुंचेंगे। जी, तो आज जो हरिद्वार पहुंच रहे हैं सीएम धामी, जिसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो क्या कोई बैठक भी होने की बात सामने आ रही है?
बिल्कुल स्वाति, देखिए अभी तक कार्यक्रम जो सूचना के जो मिली है इसको लेकर के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो फिलहाल इस प्लांट का ही शुभारंभ करेंगे, उसके बाद जो कॉलेज है वहां पहुंचेंगे, कार द्वारा प्रस्थान करेंगे, उसके बाद हालांकि अभी इस तरह का जो बैठक है उनको या फिर किसी अधिकारियों के साथ में बैठक है इस तरह की कोई अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो है क्योंकि 12 के बाद जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करने के बाद 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। जी, ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आपको रामगोपाल, तो बता दें आपको कि आज सीएम धामी दौरे पर है, बुग्गावाला के नौकरा गांड कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, साथ ही एमबी फूड्स प्रोसेसिंग प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा है, आज हरिद्वार दौरे पर है सीएम धामी, जहां आज का ये उनका पूरा प्रोग्राम है, जहां वे सबसे पहले बुग्गावाला के नौकरा ग्रांड कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद 12 बजे एमबी फूड्स प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद फल सब्जी के प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी, और 2 बजे देहरादून वापस लौट जाएंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि आज सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है, जहां पर हरिद्वार दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम है, बुग्गावाला के नौकरा गांड कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, उसके बाद 12 बजे एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे